मैं चिराग ये सुना जलता उसकी शान में, मैं चिराग ये सुना जलता उसकी शान में, मैं चिराग ये सुना तेरी पवित्र हजूरी में आऊं, आज मुझ पर अनुग्रह कर ताकि मैं तेरे जैसा बन जाऊं, तेरा जैसा बन जाऊं। सब जन इस प्रार्थना को करें, कहें परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर ताकि मैं तेरे जैसा बन जाऊं। परमेश्वर आज वो अनुग्रह, आज वो ग्रेस मुझ पर उंडेल दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे जैसा बन जाऊं। परमेश्वर मांगे मांगे उस ग्रेस को, मांगे उस अनुग्रह को, मांगे उस सामर्थ को, मांगे ताकि आप परमेश्वर के जैसे बन जाएं। मांगे उस ग्रेस को, मांगे 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 अपने मुंह को खोल के, हाथों को उठा के उस ग्रेस को मांगे ताकि आप परमेश्वर के जैसे बन जाएं। आप तीसरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर के जैसे बन जाएं। मांगे उस ग्रेस को, मांगे रब्बा शबा, मांगे उस ग्रेस को, ग्रेस को, उस अनुग्रह को, उस सामर्थ को मांगे ताकि आप पिता परमेश्वर के जैसे बन जाएं। मांगे उस ग्रेस को, अपने मुंह को खोल के, अपने हाथों को उठा के, गिड़गिड़ा के मांगे परमेश्वर मैं तेरे जैसा बन जाऊं, जैसा तू है वैसा मैं बन जाऊं।
आज वो ग्रेस, आज वो अनुग्रह, आज वो सामर्थ मुझ पर उंडेल दे परमेश्वर। मांगे 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 उससे, उसके जैसे बनने की ग्रेस को मांगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, सब बोलो आमीन। सुनो, बाइबल में लिखा, जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो आप परमेश्वर के जैसे बन जाते हैं। और आज आपने वो ग्रेस मांगी है, आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे और परमेश्वर के जैसे बनेंगे, और हर वो चीज जो परमेश्वर आपको दे चुका, शैतान उसे चुरा नहीं पाएगा, बल्कि आपके जीवन में मल्टीप्लाई होती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह, चाहे आज आपको बिजनेस छोटा परमेश्वर ने दिया, वो बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह, आपकी जॉब ब्लेस जॉब बनने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह, आपकी वाइफ आपके लिए एक लाइफ पार्टनर और अच्छी लाइफ पार्टनर बनने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह, हर वो चीज जो परमेश्वर आपको दे चुका, जब आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, मैं कह, वो घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन विश्वास करते हैं कि आज वो ग्रेस मुझ पर आ चुकी है, और जो कुछ परमेश्वर चाहे छोटा है मुझे दे चुका, वो बढ़ती जाएगी बल्कि घटेगी नहीं। अगर आप विश्वास करते तो सेलिब्रेट करो, वो ग्रेस आप पा चुके हैं मेरे सामर्थ्य नाम में। ऐसा रूदा मसा दे खुदा में हमेशा दी जिंदगी च बड़े आरवा, ऐसा रूदा मसा दे खुदा में हमेशा दी जिंदगी च बड़े आरवा, मेरे खुदा में तू ऐसा बना में हमेशा दी जिंदगी च बड़े आरवा, मेरे खुदा में तू ऐसा बना हमेशा जिंदगी चे बड़िया रवा, ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी चे बड़िया रवा, ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी चे बड़िया रवा। हो जावे ईमान मेरा बगरा चेतान दे, हो जावे ईमान मेरा बगरा चेतान दे, उठा सदा विच यस मार दे, उठा पग उठा सदा विच यस मार दे, उठा पग उठा सदा विच यस मार दे, उठा पग उठा सदा विच यस मार दे, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा, ऐसे खुदा दा बसा दे खुदा हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा, ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा में तू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा में तू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा, दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू, दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू, सदा पाक साफ रखी तू, दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू, दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू, दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा
इस बात को बार बार बोले, डुबल दे खुदा मैं हमेशा जिंदगी सब दिन अपनी आंखों को बंद करके मेरे वो बल को मांगे कि आप हमेशा की जिंदगी में बने रहे। मैं हमेशा जिंदगी बने रवा मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू दिल दी विचार सदा पाक साफ रखी तू दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा मेरे खुदा मेनू बल दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा। अपने हाथों को उठा के उस रूह के मसे के लिए धन्यवाद कर उस रूह के मसे के लिए धन्यवाद करें जो मेरा परमेश्वर आपको दे चुका जो आपको एक अनंत जीवन तक लेके जाएगा और आप धरती में पाप में नहीं जाएंगे और धरती में आप एक आशीषित जीवन जिएंगे। आप उस रूह के मसे के लिए धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोल के कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं तेरे रूह के मसे के लिए जो तीसरे स्वर्ग से आया और मेरे जीवन में मेरे शरीर में ठहर चुका है। उस मसे के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और मैं जानता हूं वो मसा मेरे जीवन में बढ़ता जाएगा वो अभिषेक मेरे जीवन में बढ़ता जाएगा और वो अभिषेक ही मुझे स्वर्ग में लेके जाएगा और वो अभिषेक ही मुझे इस धरती पर भी ब्लेस करेगा और एक आशीषित जीवन में इस धरती पर जीऊंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब बोलो आमीन। सब जन बैठ जाएंगे। स्वागत करते हैं परमेश्वर की जीवित पवित्र हजूरी में जहां पर आप प्रेम में डे बाय डे पवित्र बन रहे निर्दोष बन रहे और सेम वापस नहीं जा रहे। इसमें सामर्थी नाम में बाहर में लिखा कि जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो आप परमेश्वर के जैसे बनते हैं। तो मैंने आपको संडे में बताया था कि जब आप परमेश्वर से पैदा होते हैं तो आप परमेश्वर के जैसे बनते हैं और जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो आप परमेश्वर के जैसे बनते हैं। जब आप परमेश्वर के जैसे बन रहे हैं तो हर एक चीज जो शैतान की आपकी लाइफ में है वो खत्म हो रही है। तो हर एक चीज जो परमेश्वर आपको दे चुका एक जॉब एक बिजनेस एक लाइफ पार्टनर एक वीजा हर वो चीज जो परमेश्वर आपको दे चुका आपकी सुरक्षा में रहती। जब आप परमेश्वर की संगति से टूट जाते हैं तो हर एक चीज जो परमेश्वर आपको दे चुका आप खो देते हैं। इसीलिए परमेश्वर की संगति में रहना और परमेश्वर के जैसा बनना आपके लिए मेरे लिए और हर एक इंसान जो इस धरती पर पैदा हो चुका उसके लिए सबसे जरूरी है। क्योंकि जब एक इंसान चाहे कोई भी है चाहे वो चर्च आ रहा चाहे नहीं आ रहा चाहे कोई भी है जब वो परमेश्वर के जैसा बनता जाता है तो हर एक चीज जो उसकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से नहीं है यानी शैतान की ओर से है वो टूटती जाती है वो टूटती जाती है टूटती जाती है। बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है कर्जा परमेश्वर की ओर से नहीं है फेलियर परमेश्वर की ओर से नहीं है स्लो स्पीड परमेश्वर की ओर से नहीं है निराशा परमेश्वर की ओर से नहीं है चिंता परमेश्वर की ओर से नहीं है डिप्रेशन परमेश्वर की ओर से नहीं है और इमोशनल लाइफ परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं परमेश्वर के जैसे बनते जाते हैं तो हर एक चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं है आपके जीवन से जाती है चली जाती है चली जाती है और हर एक चीज जो परमेश्वर की है आनंद शांति
प्रेम, तरक्की, खुशहाली, हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ, खूबसूरती, हर चीज जो परमेश्वर किया वो आपकी लाइफ में आती है। और आने के बाद भी जब आप परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, आप चर्च में बने रहते हैं, आप पवित्र बाइबल को पढ़ते रहते हैं, आप प्रार्थना करते रहते हैं, तो हर एक चीज जो परमेश्वर आपको दे चुका है वो भी आपके जीवन में सुरक्षित रहती है। अगर आपकी संगति टूट जाती है तो हर एक चीज जो परमेश्वर आपको देता है वो भी टूट जाती है। लेकिन आज आपने प्रार्थना की है कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, ताकि मैं तेरे जैसा बन जाऊं, मैं तेरी संगति में बना रहूं, तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया और वो ग्रेस, वो अनुग्रह, वो सामर्थ आपको दे दी। आप परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे तो हर एक चीज जो परमेश्वर की नहीं है वो आपकी लाइफ से टूट जाएगी, और हर एक चीज जो परमेश्वर आपको दे चुका आपकी लाइफ में बनी रहेगी, सुरक्षित रहेगी। आप इस धरती पर भी ब्लेस होंगे और स्वर्ग में भी ब्लेस वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं क्या वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने पड़ोसी को कहो कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। एक बार एक पास्टर था, पास्टर की गाड़ी थी, मेटाडोर चलती थी पहले, तो मेटाडोर किसी चोर ने चुरा ली। अब पास्टर जी गए पुलिस स्टेशन में, चलो रिपोर्ट लिखा दी, पर पास्टर को पता है कि पुलिस कितना का काम करती। वो बैठ गया प्रार्थना के, कहता परमेश्वर वो तेरे कामों के लिए, और बैठा रहा जब प्रार्थना के, जब ये भाई भी प्रार्थना करते रहे। कहता चोर के पास स्वर्गदूत जाएं और जहां कहीं भी मेरी मेटाडोर है यहां पर छोड़ के जाएं। और जब उसने प्रार्थना की तो सचमुच जो चोर था खुद उसकी मेटाडोर छोड़ के चला गया। जोरदार ताड़ी मारो यीशु मसीह के लिए, वो सारा कुछ करने की सामर्थ रखता है। और अपनी पवित्र बाइबल को ऊंचा उठाएं, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ इसमें लिखा वो मेरे लिए लिखा, मैं वो ही बनूंगा जो इसमें लिखा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। मेरे साथ खुलेंगे अफीसियों, नया नियम, नए नियम में अफीसियां की पत्री, अफीसियों नए नियम में अफीसियों, पवित्र बाइबल में पिछली साइड में होगा अफीसियों, गलातियां के बाद अफीसियां मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सब जन सुनना। उसकी 4:26 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 4 यानी उसकी 4:26 लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और शैतान को अवसर और ना शैतान को अवसर दो। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी आत्मा में बोया जाए, कोई अंधकार की ताकत इसे चुरा नहीं पाएगी। मैं इस वचन को सुनने वाला, समझने वाला, इसके ऊपर चलने वाला, दूसरों के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बन रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अपने पड़ोसी को कहो सिन शाइन को खत्म करता है, अगर शाइन करना चाहता है तो तू सिन को खत्म कर दे। यानी कहने का मतलब, अगर आप इस दुनिया में चमकना चाहते हो तो आपको पाप को खत्म करना, आपकी लाइफ में पाप आपकी चमक को यानी आपकी बढ़ोतरी को खत्म करता है। अगर आपकी कोई चीज खत्म हो चुकी है, अगर आपकी हेल्थ खत्म हो चुकी है, आपकी वेल्थ यानी आपकी अमीरी खत्म हो चुकी है, अगर आपके घर का क्लेश, आपके घर का आनंद खत्म हो चुका है, अगर आपके घर की शांति खत्म हो चुकी है, और अगर आपके आपकी जिंदगी के सपने खत्म हो चुके हैं, तो इसका कारण एक ही है कि आपकी लाइफ में पाप है। क्योंकि रूल ये
कि सिन यानी पाप शाइन को खत्म करता है, यानी आपकी चमक को खत्म कर देता है, आपकी चेहरे की चमक, आपके घर की चमक, आपके बिजनेस की चमक, आपकी जॉब की चमक, आपकी बुद्धि की चमक और आपकी हर एक की चीज की चमक को खत्म कर देता है। तो रूल ये है, अगर आप चमकना चाहते हो तो आपको पाप को खत्म करना। इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूरज छुपने तक तुम्हारा जो क्रोध है वो खत्म होना चाहिए। यानी अगर आपको गुस्सा आए अपने बच्चों पर, गुस्सा आए अपने पति पर, गुस्सा आए अपनी पत्नी पर, गुस्सा आए अपने पड़ोसियों पर, गुस्सा आए किसी इंसान पर, वो शाम तक सूरज छुपने से पहले पहले खत्म होना चाहिए। अगर वो गुस्सा आपका रह गया तो वो पाप बन जाएगा, वो पाप बन जाएगा। इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा, गुस्सा तो करो, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। जानी कहने का मतलब, जब आपको गुस्सा आए तो गुस्सा करो पर पाप ना करो। जानी पाप का मतलब हर वो बात जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ या वो ना करो। यानी पाप की डेफिनेशन है, जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं उसको पाप कहते हैं। गुस्से में आकर कभी भी परमेश्वर का वचन ना तोड़ो। जब आप परमेश्वर का वचन तोड़ दोगे समझ लो आप पाप करोगे। जब पाप करोगे तो आपकी शाइनिंग, आपकी हर चीज, आपके चाहे घर की हो, चाहे आपके बिजनेस की हो, चाहे आपके जॉब की हो, चाहे आपके शरीर की हो, चाहे आपकी लाइफ की हो, वो खत्म हो जाएगी। अपने पड़ोसी को कहो, सिन शाइन को खत्म करता। जब तू पाप से बचा रहेगा तो तेरी शाइन भी बनी रहेगी। इसलिए बाइबल में लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्यों परमेश्वर ने कहा कि क्रोध क्रोध कर पर पाप ना कर? क्योंकि तेरी शाइन खत्म हो जाएगी, तेरी ऊंचाई खत्म हो जाएगी, जो कुछ मैंने तुझे दिया है वो खत्म हो जाएगा सब कुछ। अगर तू चाहता है कि वो बना रहे तो तब तू अपनी शाइन, तब तू पाप से बचा रहे। भाई ने लिखा, सैमसन को परमेश्वर ने मां के पेट से नजीर चुना था। नजीर के होने कहने का मतलब अभिषिक्त चुना था। वो मां के पेट से ही एक अभिषिक्त था और परमेश्वर ने उसे बड़े कामों के लिए चुना था। क्योंकि बाइबल में लिखा, इसराइलियों ने पाप किया और वो फिलिस्तियों के अधीन हो गए, वो फिलिस्तियों के नीचे आ गए और जो फिलिस्ती लोग थे उन पर जुल्म करते थे, उन पर तरह तरह की प्रॉब्लम उन पर डालते थे और उन पर अत्याचार करते थे। उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने क्या किया, एक औरत थी जो इसराइलियों में थी और एक परिवार था, उस परिवार में, मेरे साथ वो पढ़ सकते हैं, आपको ज्यादा पता चलेगा। न्यायियों की किताब उसकी 13 कहता, इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और इसलिए यहोवा ने उसको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। कहता, दानियों के कुल में एक सोरावासी मनोहो नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। और इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा, इसलिए अब सावधान रह, ना तो दाख मकदु या और किसी भांति की मदरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर शुरा न चले, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नजीर होगा और इसराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए वही हाथ लगाएगा। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने इसराइलियों में एक ऐसी औरत थी जिसे कोई बच्चा नहीं था काफी देर से, उसको चुना और उसको कहा कि तेरे पेट में मैं एक बच्चे को दूंगा, वो बच्चा एक महान होगा और इसराइलियों को छुड़ाने वाला होगा, पर कंडीशन ये है कि ना ही दाख मधु पीना, जब वो बच्चा हो तो उसके सिर पर कभी भी तू उसके बाल ना कटवाना,
उसके बाल ना कटवाना, उसके उसके जो बाल तू नहीं कटाएगी तो एक नजीर होगा और वो यहोवा का अभिषिक्त होगा। बाइबल में लिखा जब शिमशोन का जन्म हुआ और जब शिमशोन का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने उसके जीवन में एक योजना रखी थी, और परमेश्वर का अभिषिक्त था क्योंकि उसके बालों में ताकत थी, उसके बालों में इतनी ताकत थी कि उसके सामने अगर कोई शेर भी आ जाता था तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, तो वो शेर को फाड़ देता था। बाइबल में लिखा उसके शरीर में एक ताकत थी और वो हजारों लोगों को मार देता था। बाइबल में लिखा उसने एक लड़की को देखा और लड़की को देखा उसने पसंद किया, और वो फिलिस्तीनियों की लड़की थी, और जब पसंद किया तो उसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट होने के बाद जब वो अपने घर में आ गया और एंगेजमेंट घर में आ गया, घर में आने के बाद जब एक बार अपनी पत्नी को मिलने के लिए गया तो उसके बाप ने क्या किया, उसने उसकी पत्नी की एंगेजमेंट और कहीं कर दी, दूसरी जगह कर दी, उसकी शादी कर दी। इस बात का उसको गुस्सा आया, उसने क्या किया, उसने जो फिलिस्ती थे जो और जाति के लोग थे उनका नुकसान किया, उनके खेतों का नुकसान किया, और उसके बाद उसने कई कई मनुष्यों को मार दिया, पर परमेश्वर ने इस चीज का बुरा नहीं मनाया क्योंकि परमेश्वर ने उसे पैदा ही इसलिए किया था कि वो फिलिस्तियों को मारे, क्योंकि फिलिस्ती पापी थे और इसराइलियों पर वो जुल्म डालते थे। बाहर में लिखा फिर जब इजरायली लोग फिलिस्तियों के गुलाम थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फौजियां लेकर इजरायलियों की और चढ़ाई करने लगे, तो जब इजरायलियों ने पूछा कि तुम लोग हम पर चढ़ाई क्यों करते थे, और उन्होंने बताया कि तुम लोग ऐसा करो सैमसन को जो उसको पकड़कर हमारे हवाले कर दो तो हम आपको छोड़ देंगे। बाइबल में लिखा जब उसने वो फिलिस्तियों की जो खेत थे उनका नुकसान किया, उनके बंदों को मार दिया था, उसके बाद वो एक गुफा में छुप गया था, और बाइबल में लिखा कि वो जब इजरायली उसको बांध के लेके आए रस्सियों के साथ, तो जब उसको बंधा हुआ सैमसन को देखा जो फिलिस्तियों ने, तो फिलिस्तियों ने ललकार कर उसको एक तरह का चैलेंज किया कि अब ये बंध चुका है हम इसको मार देंगे। तो बाइबल में लिखा जब फिलिस्तियों की ललकार सुनी तो जो रस्सियों से बांधा गया था, वो बड़ी बड़ी मोटी रस्सियों से बांधा गया था, बाइबल में लिखा यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उस पर उतरा, तो जो रस्सियां थी वो ऐसे सड़ गई जैसे जैसे एक आग में रस्सी सड़ जाती है, ऐसे जल गई। तो बाइबल में लिखा उसने एक जो गधे का चिबाड़ा था, गधे के मुंह की हड्डी उसको पकड़ा, और दूसरी और 1000 सैनिक थे जो सैमसन को पकड़ने के लिए आए थे, जिनके पास तलवारें होंगी, ढालें होंगी, नेजे होंगे, बहुत कुछ होगा, उसने उस हड्डी के साथ ही उनके साथ लड़ाई की और उनको 1000 को मार दिया यानी कहने का मतलब उसने परमेश्वर के अभिषेक से जो विरोधी थे उनको खत्म कर दिया। ऐसा करने के बाद बाइबल में लिखा वो अपनी वाइफ की निराशा की वजह से एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है, जो पैसा लेके जिस्म बेचती है, बाइबल में लिखा अपनी निराशा को मिटाने के लिए, अपने गुस्से को मिटाने के लिए वो उसके पास चला गया, और बाइबल में लिखा वो दलीला नाम की एक औरत थी, जब उसके पास गया तो उसने, जबकि उसको परमेश्वर के पास जाना था, चाहिए था परमेश्वर की संगति में जाना चाहिए था, जब उसने इतना बड़ा काम किया, परमेश्वर का इतना बड़ा काम किया, 1000 फिलिस्तीनियों को मारा, तो उसे चाहिए था कि परमेश्वर की संगति में जाए, पर वो अपने गुस्से में आकर उसने चाहे 1000 फिलिस्तीनियों को मार दिया, उसके बाद वो अपनी निराशा को मिटाने के लिए, अपने गुस्से को मिटाने के लिए वो दलीला के पास चला गया, एक जिस्म बेचने वाली औरत के पास चला गया, और बाइबल में लिखा जब उसने जिस्म बेचने वाली औरत के साथ संबंध बनाए तो बाइबल में लिखा वो एक पाप में चला गया, क्योंकि पहला कुरंथियां मेरे साथ पढ़ेंगे, खोलेंगे पहला कुरंथियां उसकी 6:16, लिखा उसकी 15
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के संग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या की संगति में रहता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है जो दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो, और जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर करता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो? इसलिए अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करो। बाहर में लिखा जो सैमसन था, उसने अपनी जीत, वो चाहे जीत गया था, वो गुस्से में था, उसको चाहिए था कि परमेश्वर की संगति में जाता, क्योंकि बाहर में लिखा जो कोई वेश्या के साथ संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है। जो कोई परमेश्वर के साथ संगति करता है वो परमेश्वर के साथ एक तन हो जाता, यानी परमेश्वर के जैसा हो जाता है, यानी जो कोई वेश्या के साथ संगति करता है वो वेश्या ही बन जाता है। जब सैमसन ने वेश्या के साथ संगति की तो जो कुछ वेश्या की लाइफ में था, वो सारी दुष्ट आत्माएं, जो सारा पाप, वो सैमसन की बॉडी में चला गया। और बाइबल में लिखा जब वो वेश्या के पास जा रहा था, उसके दुश्मनों को पता चला कि वो सैमसन जो वेश्या के पास आता, उसके दुश्मनों ने 1100 रुपए देने का, उस टाइम के 1100 रुपए देने का लालच दिया कि तू सैमसन को हमारे हाथ में कर दे। तो वो सैमसन को पूछने लगी कि तेरी शक्ति का राज क्या है, तू बांधा जाता है रस्सियों के साथ और रस्सियां तू तोड़ देता है। बाइबल में लिखा है एक बार उसको बांधा गया फाटकों के साथ, उसने फाटक उखाड़ लिए और अपने कंधे पे उठा लिए, यानी उसके अंदर इतनी पावर थी कि कोई उसे बांध नहीं सकता था, कोई उसे रोक नहीं सकता था। वो फाटकों को बड़े बड़े पुराने जमाने में 20-20-30 फुट बड़े दरवाजे होते थे और उनको कंधों से उठा ले और कोई भी उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की शक्ति थी उसमें। वो मां के पेट से ही नजीर था, उसने कभी दाख मधु यानी शराब नहीं पी थी और ना ही कभी उसके सिर के बाल काटे थे, और परमेश्वर की शक्ति उस पर थी। तो बाहर में लिखा जब वो वेश्या के साथ संगति की तो जो कुछ वेश्या की अंदर था, पाप दुष्ट आत्माएं, सारी सैमसन के अंदर चली गई। और बाहर में लिखा वो उसको पूछने लगी कि तेरी ताकत का, तेरे बल का क्या राज है। उसने 3 बार उसको अलग अलग तरह की बातें बताई, पर वो ऐसे उसको बताना नहीं चाहता था। तो बाहर में लिखा वो उसको कहती तू मुझे प्यार नहीं करता तो इसलिए तू बता। जब वो जिद करती रही तो बाहर में लिखा सैमसन ने अपना पूरा राज बता दिया कि मेरी जो शक्ति है मेरे बालों में है, जब मेरे बाल कटे जाएंगे तो मैं नॉर्मल बन जाऊंगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक कभी भी मेरे बाल नहीं कटे गए। और बाइबल में लिखा जब सैमसन ने अपनी शक्ति का राज बता दिया तो उस वेश्या ने उसने अपने घुटनों पे उसको सला के एक आदमी को बुलाया और उसके सारे बाल कट दिए, उसके सारे बाल कट दिए। और बाद में उसने फिलिस्तीनियों को कहा कि अब इसने अपनी शक्ति का सारा हाल बता दिया, अब आओ और इसको पकड़ लो। बाइबल में लिखा फिलिस्ती आए और सैमसन को पकड़ लिया। सैमसन ने सोचा मैं फिर से ऐसे पकड़ूंगा और सारे इंसानों को मार दूंगा। उसने फिर से अपने आप को झटका तो कोई पावर नहीं उस पर उतरी, वो पहले की तरह पावरफुल नहीं रहा बल्कि वो नॉर्मल हो गया। और बाहर में लिखा उसके विरोधियों ने उसको पकड़ा और उसकी आंखें अंधी कर दी, उसकी आंखें अंधी कर दी और उसको पकड़ के ले गई। कोई टाइम था जब पूरे देश में सैमसन का नाम था, लोग डरते थे कि सैमसन बहादुर है, उसके पास एक ईश्वरीय शक्ति है, उसके पास यहोवा की शक्ति है, पूरे लोग उसका नाम लेते थे और पूरे लोगों में वह ऊंचा था। जब उसने पाप किया तो उसकी ऊंचाई उसी के साथ खत्म हो गई। अपने पड़ोसी को फिर से कहो सिन शाइन को खत्म करता है। अगर तू ऊंचा रहना चाहता है तो पाप ना करना, पाप तेरी ऊंचाई को खत्म कर देगा। क्योंकि बाइबल के हिसाब से एक वेश्या के पास जाना और उसके साथ संग करना एक पाप है। और सैमसन ने जब पाप किया तो यहां कहीं वो बहादुर था, लोग डरते थे, वहां
वहां वो एक नॉर्मल इंसान बन गया और विरोधियों ने उसकी आंखें अंधी कर दी और उन्होंने अपने देवता के सामने उसको ले गए और उसके उसको नचाया। एक बहादुर इंसान को, एक सूरमा इंसान को जिससे पूरा देश आंखें लगाए हुए था, क्योंकि वो एक ऐसा बहादुर था कि अगर उस देश उस टाइम इजरायलियों की 1 करोड़ जनसंख्या थी, कोई भी फिलिस्तीनियों के सामने लड़ नहीं सकता था, वो अकेला लड़ सकता था, यानी 1 करोड़ के बराबर अकेला था, 1 अरब के बराबर एक अकेला था, वो अकेला था, पर उसने पाप किया और अपनी सामर्थ्य को खत्म कर दिया। इसीलिए बाइबल में लिखा, क्रोध कर, कोई बात नहीं, गुस्सा कर, पर पाप ना कर। तेरा गुस्सा जो सूरज छिपने तक खत्म होना हो जाना चाहिए। अगर सूरज छिपने तक तेरा गुस्सा खत्म नहीं होगा तो तू पाप में जाएगा। जब तू पाप में जाएगा तो जो कुछ आशीष मैंने तुम्हें दिया वो खत्म हो जाएगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? वो आशीष खत्म हो जाएगी पाप के कारण। इसीलिए जब कभी आपके घर में कोई बात हो, गुस्सा तो करो, पर सूरज छिपने तक वो खत्म होना चाहिए। अपने दोस्त के साथ गुस्सा तो करो, सूरज छिपने तक उसको माफ कर दो और उससे माफी मांग लो। गुस्सा तो करो, पर सूरज छिपने तक वो रफा दफा होना चाहिए, सारा कुछ खत्म होना चाहिए। अगर सूरज छिपने तक आपने गुस्सा रहने दिया, क्रोध रहने दिया, तो वो पाप बन जाएगा। अगर वो पाप बन गया तो आपकी हानि होगी, आपकी हानि होगी। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिखाया कि गुस्सा कर पर पाप मत कर, क्योंकि सिन शाइन को खत्म करता। शाइन क्या है? तुम्हारी आपकी इज्जत। शाइन क्या है? आपकी अमीरी। शाइन क्या है? आपकी गुड हेल्थ। अगर आप बीमार होगे, बीमार रहेंगे तो आप चीखे मारते रहेंगे तो घर में आपकी इज्जत होगी? आपके घर में आपकी इज्जत होगी? नहीं होगी, कोई इज्जत नहीं होगी। एक बीमार व्यक्ति की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, उसके पास आते ही कम है ना, किसने अपनी बीमारी की बातें बतानी? एक गरीब बंदे के पास को लोग बैठते नहीं, इसने रोने ही रोने। इसीलिए जब कभी गुस्सा आए तो करो, पर सूरज छिपने तक वो खत्म होना चाहिए। अगर सूरज छिप गया तो वो पाप बन जाएगा। अगर पाप बन जाएगा तो आपके जीवन की वो हर एक चमक को खा जाएगा, चमक को खा जाएगा। क्योंकि बाहर में लिखा कि सूरज छिपने तक तो तेरा गुस्सा खत्म होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि सूरज छिपने में होता क्या है? अपने पड़ोसी को कहो कि सूरज छिपने में होता क्या है, क्या होता है सूरज छिपने में? बाहर में लिखा कि इफिसियों की किताब में उसकी 6:11, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इफिसियों की किताब उसकी 6:11। लिखा उसकी परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध और लहू मास से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकमों से है। कहता हम एक युद्ध में है, हम एक लड़ाई में है, जो इंसानों के साथ नहीं है बल्कि इस संसार के अंधकार के हक में। जानी ये अंधेरा जो ये रात है, इसके कोई हक में, इसको कोई कंट्रोल करते हैं, इसको चलाते हैं, इसके ऊपर राज करते हैं, रात के ऊपर अंधकार के हकम, शैतान के हकम। इसीलिए जब शाम को 7 बजते हैं, दारू पीने वाले एक्टिव हो जाते हैं, होते कि नहीं होते, तेजी से काम करते हैं, टाइम हो रहा। जो विभ्याचार करने वाली औरतें वेश्या होती हैं, वो रात को सज डज के रोड़ों में आ जाती, आती कि नहीं आती, रोड़ों में आती। ताश खेलने वाले, जुआ खेलने वाले रात को एक्टिव होते थे, चल। हर एक गलत काम करने वाला शाम को एक्टिव होता कि नहीं होता? अपने पड़ोसी को कहो क्यों होता है, जोर से बोलो, आपकी नींद चली जाएगी, बोलो क्यों होता है? अब बोलो, अंधकार के हाकम उस पर कंट्रोल करते हैं। बाहर में लिखा जो रात को अंधकार के हाकम है, हाकम मतलब
वो सेनापति हैं, वो फौजी हैं अंधकार अंधकार की, वो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन काम करती हैं। वो शैतानी ताकतें आपको दिखती नहीं, वो काम करती हैं। एक शराब पीने वाला क्यों 7 बजे 6 बजे उसको उसको लगती मैं शराब पीऊं, शाम पूरा दिन बड़ी अच्छी बातें करता, 7 बजे उसको होता चल चल जल्दी 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 काम हो जाए, मैं पहुंच जाऊं ठेके पे पहुंच जाऊं, क्योंकि वो अंधकार की ताकतें वो दिख नहीं रही पर हैं, उसके माइंड में आती हैं चल 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 चल। जो गलत काम करने वाले वो रात को 5-6 बजे जो वेश्या है वो सजने धजने लगती है कोई शिकार ढूंढे, जो युवा खेलने वाले वो गलत काम करने वाले वो एक्टिव हो जाते हैं, वो नहीं एक्टिव होते पर उन वो जो दुष्ट आत्माएं जो अंधकार के हक में है वो एक्टिव हो जाते हैं, उनके माइंड में घुस जाते हैं, उनके विचारों में घुस जाते हैं और उनको एक्टिव कर देते हैं, उनको एक्टिव कर देते हैं। इसीलिए बाहर में लिखा क्रोध कर पर पाप मत कर, और सूरज छिपने से पहले पहले तेरा क्रोध खत्म होना चाहिए, तेरा गुस्सा खत्म होना चाहिए, तेरी घरवाली के साथ, तेरे बच्चों के साथ, तेरे भाई के साथ, तेरी बहन के साथ, तेरे बॉस के साथ, तेरे फ्रेंड के साथ, हर चीज के साथ गुस्सा खत्म होना चाहिए। अगर रात पड़ गई तो गुस्से की दुष्ट आत्मा आएंगी, निराशा की दुष्ट आत्मा आएंगी, चिंता की दुष्ट आत्मा आएंगी और तेरे अंदर घुस जाएंगी, वो तुम्हें कहेंगी, अलग अलग पलायन देंगी, चल घरवाली ने आज बातें मारी है, चल आज पैग लगाने चलते हैं, आज भाई ने कुछ कहा तो चल कोई कोई गलत काम करने के लिए जाते हैं, चुगली निंदा के लिए जाते हैं, क्योंकि रात को वो देखती हैं कि बंदा क्या कर रहा, गुस्से में आया तो इसको काबू करो, क्योंकि गुस्से में बुद्धि थोड़ी कम चलती है, तो इसीलिए वो कंट्रोल करती हैं, उससे सारे काम करती हैं। इसीलिए सैमसन के को गुस्सा था कि मेरी घरवाली को किसी और के साथ शादी कर दी, और गुस्से में आकर उसने उनका नुकसान किया, 1000 लोगों को मार दिया, पर परमेश्वर खुश था, परमेश्वर मरवाना चाहता था, पर वो उनको मारने के बाद उसको चाहिए था कि वो परमेश्वर के साथ संगति करता, कि परमेश्वर मेरी मेरी घरवाली जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी वो और किसी को दे दी, ये मेरी बेइज्जती का, परमेश्वर के साथ उसको संगति करनी चाहिए थी, परमेश्वर के साथ बातें करनी चाहिए थी, उसको प्रार्थना करनी चाहिए थी, पर उसने प्रार्थना नहीं की, बल्कि वो निराशा में कहां चला गया, बोलो वेश्या के पास, वो वेश्या के पास चला गया, और बाहर में लिखा जो वेश्या की संगति करता है वो वेश्या जैसा बन जाता है, जो परमेश्वर की संगति करता है वो परमेश्वर जैसा बन जाता है। इसीलिए जब गुस्से की बात हो, जब निराशा की बात हो, जब चिड़चिड़ाहट की बात हो, जब आपको लोगों ने बातें मारी हो, आपके आपको लोगों ने तकलीफ दी हो, तो फिर लोगों के पास ना जाओ बल्कि परमेश्वर के पास जाओ, फिर परमेश्वर के पास जाओ, उसके साथ संगति करो। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, जब आप चर्च में जाएंगे, जब आप YouTube खोलकर मीटिंग को सुनेंगे, तो परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, तो फिर आप परमेश्वर जैसे बन जाएंगे, पाप से बचे रहेंगे। तो बाइबल का रूल है, अगर तू सिन को खत्म करेगा तो शाइन बनी रहेगी और ऊंचाई बनी रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या बनी रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई। इसीलिए अपनी शाइन बना के रखना चाहते हो, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बिजनेस की, अपने जॉब की, अपने फ्यूचर की, अपनी हेल्थ की, तो संगति किसके साथ करनी, बोलो परमेश्वर के साथ, बाइबल के साथ, वचन के साथ, पास्टर के साथ। संगति ये नहीं करनी कि कोई दोस्त को फोन करना चल करो लड़ाई होगी, आज थोड़ी थोड़ी लाई लेने कोई गल नहीं, माफी मांग लांगे, चल अपनी किसी होर दूसरी फ्रेंड नू घर वाली लड़ पी तो दूसरे ना प्राणी का नंबर कट लेना, वो नहीं मैनू समझती, तू मैनू समझदा, तू मैनू समझदी हाँ, घर वाली तो समझती नहीं, कदर नहीं पाती, कर दे कि नहीं कर दे। तो जे घर वाला लड़ पिया तो फिर घर वाली भी कई बार दूसरे का फोन कट लेंदी, दूसरे का पुराना नंबर होंदा कि लिखा डायरी से उन्हें फोन कर लेनी, घर वाला तो मैनू समझदा ही नहीं, तू मैनू प्यार करदा, काश कि तेरे नाल व्याह हो जाता, अरे तू हुण घट दुखी आ, जे उहदे नाल हो जाता तो 100% ज्यादा दुखी होंगी, ज्यादा दुखी होंगी, क्योंकि हर वो रिश्ता
जिदी नीव पाप होए वो सदा ही दुख का कारण होंदा। अपने पड़ोसी नूं कहो हर वो रिश्ता जिदी नीव पाप होए वो दुखी रहेगा, क्योंकि सिन शाइन नूं खराब करदा। अगर तेरा रिश्ता सिन ते आ तो शाइन नहीं आएगी, कदी नहीं आएगी, वो कदी नहीं आएगी। इस करके अपनी मैरिज तो बाहर कदी भी संबंध ना लबो, चाहे तानू निराशा होए, चाहे तानू जिन्नी मर्जी निराशा। अपने जिस जगह तुम जॉब कर रहे हैं उत्थे वफादार रहो, उस जगह ते वफादार रहो। जे ताड़े जीवन च कोई ताड़े बॉस दे नाल कोई प्रॉब्लम हो जाती, कई लोग बॉस दे नाल लड़ाई हो जाती, कल तो मैं कम ते नहीं जाना, कम ते नहीं, कल से नहीं जाऊंगा, काम से नहीं, बॉस नहीं अच्छा, बॉस नहीं अच्छा। अरे हर इंसान ऐसे ही है, यहां पर एक प्रॉब्लम दूसरी जगह दूसरी प्रॉब्लम होगी। अगर आपके जीवन में पाप है तो प्रॉब्लम आपके जीवन में पाप के कारण है, बॉस के कारण नहीं, चर्च के कारण नहीं। कुछ लोग चर्च छोड़ देते हैं, दूसरे चर्च में जाते हैं। अरे चाहे दूसरे में जा, चाहे तीसरे में जा, चाहे चौथे में जा, जब तक तू पाप नहीं छोड़ेगा प्रॉब्लम तुझे नहीं छोड़ेगी, दुष्ट आत्मा तुझे नहीं छोड़ेगी, समस्या तुझे नहीं छोड़ेगी। अगर प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम से मुक्ति चाहता तो पाप को छोड़, चर्च को ना छोड़। चर्च की थोड़ी ना गलती, तेरे जीवन की गलती है। क्योंकि रूल ये नहीं कि कोई बंदा माड़ा है, रूल ये है कि तू माड़ा है। तेरे जीवन में पाप है, इसीलिए तेरे जीवन में शाइन नहीं है। इसीलिए अगर आप सिन को खत्म करोगे तो शाइन बनी रहेगी, और अगर आप सिन को खत्म नहीं करोगे तो शाइन नहीं बने, शाइन नहीं होगी, क्योंकि फिर सिन बढ़ेगा। यही गलती तो सैमसन ने की, वो निराशा में अपने, उसको परमेश्वर के पास जाना चाहिए था पर वो एक वेश्या के पास चला गया कि मैं वेश्या के पास जाकर अपनी निराशा को दूर करूंगा। तो बाहर में लिखा उसने पाप किया, और जब पाप किया तो उसके जीवन से अभिषेक चला गया, उसके जीवन से इज्जत चली गई, उसके जीवन से जो सामर्थ्य वो चली गई, उसके जीवन से परमेश्वर चला गया, और विरोधियों ने उसका मजाक किया। इसीलिए आज से जब निराशा हो, जब प्रॉब्लम हो कोई भी, तो परमेश्वर की संगति करना, इंसानों की संगति नहीं। क्योंकि अगर आप क्रोध करोगे और क्रोध के कारण सूरज छिप जाएगा और आपका क्रोध पाप में बदल जाएगा, तो फिर अंधकार की ताकतें हैं, दिखती नहीं उनको, दिखती हैं जिनकी आंखें खुली हैं, आत्मक आंखी, हर एक को नहीं दिखती हैं। वो सांपों की दुष्ट आत्माएं, वो हैं विभ्याचार की दुष्ट आत्माएं, वो हैं अलग अलग तरह की दुष्ट आत्माएं, जिनकी स्पिरिचुअल आईज, आत्मक आंखें खुली हैं, उनको दिखती हैं, वो रात को काम करती हैं। और जो जादू टूना करने वाले बाबे हैं, जो तांत्रिक हैं, वो उनको छोड़ते हैं, अब रात पड़ गई, चल पकड़ ला किसी लड़की को, लड़के को, नशे करने वाले को, वेश्या को पकड़, सारे को पकड़, वो रात को छोड़ते हैं। इसीलिए रात होने से पहले पहले एक बार प्रार्थना जरूर करो। इसीलिए जब पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो बाहर में लिखा तीसरे पहर पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, पौलुस तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। उनकी रूटीन थी कि वो रात को, इवनिंग, तीसरे पहर का मतलब तीन बजे वो प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने का मतलब अगर उनसे कोई गलती होती थी वो परमेश्वर के साथ निपट लेते थे, वो साफ ताब बराबर कर देते थे। उनको पता था अगर पाप रह गया तो अंधकार की ताकतें लड़ेंगी और उन्हें डाउन करेंगी। मुझे आज भी पता, जब मैं प्रभु में आया, मैंने तोबा की, बपतिस्मा लिया मैंने 2006 में, तो जब भी मुझे किसी ने पूछना कि तेरे लिए क्या प्रार्थना करें, मैंने उसको यही कहना कि मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं, मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं। एक ही प्रेयर क्वेस्ट थी। अगर किसी ने कहना लिख के प्रेयर क्वेस्ट, मैं वो लिखना, मैं और मेरी फैमिली अपने आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू ग्रो इन स्पिरिट, यही मेरा होता था। यही कई बार, मुझे अब भी याद है कि कई बार मैंने यही
प्रेयर रिक्वेस्ट दिन, चाहे मेरे पास प्रॉब्लमें थी, मेरे पास बिजनेस की प्रॉब्लम थी, हेल्थ की प्रॉब्लम थी और घर की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, पर मेरे हार्ट से एक ही प्रार्थना निकलती, मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं, मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, मैं और मेरी फैमिली प्रभु में बढ़ना चाहता है। यही थी हर बार। मुझे आज भी याद है कि एक मेरे ख्याल 2007-08 की बात है, कोई एक ग्रुप इंग्लैंड से आया था जलंधर में, वो उन्होंने रोड शो किया था और उन्होंने कहा कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के डालो, और मैंने वहां पर लिख के देख दिया कि मैं और मेरा परिवार आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ हमें चाहिए। हर बार मैं यही पर्ची लिख के देता था, और जब मेरी प्रार्थना का आंसर मिला, जब मैं एक चर्च में गया, मुझ पर प्रार्थना हुई, तो जब 3 बजे अगले दिन के 3 बजे तो मुझे अपने आप किसी ताकत ने, कोई ताकत थी, वो कहती प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, ऐसे मेरे मन में चलने लगा। और मैं हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मेरी लैब थी, वहां पर मैं एक बाथरूम में चला गया, तो मेरा मन से अंदर से प्रार्थना निकलनी शुरू होगी अपने आप, और मैंने कहा ये बाथरूम है यहां पर सही जगह नहीं। बाद में मैं हॉस्पिटल की 3री मंजिल पे गया, वहां पर रद्दी थी, बड़ा फालतू सामान पड़ा था, मैंने दरवाजा खोला और गर्मी का टाइम था, कोई पंखा नहीं था, और मैं वहां पर बैठ गया, और 3 बजे थे, मैंने 3 से लेकर 4 बजे तक 1 घंटा प्रार्थना की, 1 घंटा प्रार्थना की, और वो प्रार्थना मेरी रेगुलर शुरू होगी, रेगुलर 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 रेगुलर। आज भी जब 3 बजते हैं दोपहर के, तो मेरे अपने आप मेरे अंदर प्रार्थना शुरू हो जाती, प्रार्थना शुरू हो जाती, प्रार्थना शुरू हो जाती। और पता, मेरे साथ जितने काम करते हैं उनको पता, ये 3 से 4 प्रार्थना करता है, जो मर्जी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, 3 से 4 प्रार्थना 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 करता हूं। ये मेरी आदत बन गई थी, मेरी स्पिरिट की आदत बन गई थी। इसीलिए जब आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आप पाप से बचे रहना चाहते हैं, तो उसका सीक्रेट एक ही है कि आपको सोने से पहले एक बार परमेश्वर से संगति जरूर करो, अपने पापों की माफी जरूर मांगो, परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक से जरूर बढ़ो। जब आप परमेश्वर से संगति करेंगे रात को सोने से पहले एक बार, तो आप परमेश्वर जैसे बन जाएंगे। जब परमेश्वर जैसे बन जाएंगे, तो हर एक चीज जो आपकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो टूटती जाएगी। और जब आप संगति करते रहेंगे, तो हर एक चीज जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो आपकी लाइफ में बनी रहेगी, तो आपकी शाइन कभी नहीं खत्म होगी, बल्कि आप बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के जैसे बनते जाएंगे, इस धरती पर भी ब्लेस होंगे और स्वर्ग में भी ब्लेस वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? एक बार अपने पड़ोसी को कहो, सिन शाइन को खत्म करता है, कभी भी सिन नहीं करना, ताकि तेरी शाइन बनी रहे, और दिन में शाम को प्रार्थना जरूर करना, बाइबल जरूर पढ़ना, बिना बाइबल पढ़े जा प्रार्थना करे कभी मत सोना, क्योंकि तेरा तू एक युद्ध में है, और वो युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि अंधकोर के हाकमों के साथ है। कितने लोगों मेरी बात समझ गई? जब ये आप रूटीन बना लेंगे, रोज सोने से पहले चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, यूट्यूब पे वचन को सुनेंगे, तो 1 घंटा जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, आप परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे। जब परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे, तो कोई भी अंधकार की ताकत आपको गिरा नहीं पाएगी। मैं क्या, आप अंधकार की ताकतों का तमाशा बनाएंगे और बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? सब जन खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, आज मैं तेरे वचन से जान चुका हूं, अगर मुझे चमकना है और चमके रहना है, अगर मुझे ऊंचा होना और ऊंचे बने रहना, तो मुझे पाप से बचे रहना। परमेश्वर, अगर आज तक मैंने रात की प्रार्थना नहीं की, तेरे साथ संगति नहीं की, अगर मैं बुरे हालातों में, निराशा में, अगर मैंने पाप किया, तो मुझे क्षमा करो।
सब जन क्षमा मांगो। अगर आपने निराशा में आके शराब पी, नशे की, तो क्षमा मांगो। अगर आप निराशा में आके किसी वेश्या के पास गए तो उसकी क्षमा मांगो। अगर आप निराशा में आके गलत संगति में गए, आप परमेश्वर की संगति में नहीं गए, तो उसकी माफी मांगो। सब जन अपनी आंखों को बंद करके सीरियस रीति के साथ, जितने ऑनलाइन देख रहे वो भी अपने पापों की क्षमा मांगो। परमेश्वर, मैं निराशा में आके, गुस्से में आकर अगर मैं पाप में गया तो मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। मेरी घटी का कारण कोई इंसान नहीं है बल्कि मेरा पाप है परमेश्वर। कहो, कहो इस बात को कहो, मेरी घटी का कारण कोई इंसान नहीं है परमेश्वर बल्कि मेरा पाप है। आज मैं जान चुका हूँ परमेश्वर, आज से मैं पाप से बचा रहूँगा। और आज मैं सीख चुका हूँ, अगर मैं पाप से बचना चाहता हूँ तो मुझे शाम को या रात को तेरे साथ संगति करनी होगी, निराशा में तेरे साथ संगति करनी होगी, गुस्से में तेरे साथ संगति करनी होगी। जब मैं तेरे साथ संगति करूंगा तो तेरे जैसा बन जाऊंगा। मैं किसी भी पापी इंसान के साथ संगति नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं संगति चरित्र को खत्म कर दिया। आज मैं जान चुका हूं जैसी मैं संगति करूंगा वैसा बन जाऊंगा। परमेश्वर, आज से मैं तेरे वचन की संगति करूंगा, तेरे चुने हुए दासों की संगति करूंगा, और मैं तेरी संगति शाम को, दिन को, सुबह को, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं संगति में रहूंगा तो तेरे जैसा बनूंगा और मैं पाप से बचा रहूंगा। और हर एक चीज जो शैतानी है मेरे जीवन से वो टूट दी जाएगी। और जो कुछ तूने मुझे दिया है जब मैं संगति में बना रहूंगा तो वो आशीष भी मेरे जीवन में बनी रहेगी। बार बार बोलो, मेरे जीवन में बनी रहेगी, मेरे जीवन में बनी रहेगी। जब मैं संगति में बना रहूंगा तब आशीष भी बनी रहेगी। अपनी आवाज को ऊंचा उठा के बोलो, चर्च बोलो, जब मैं संगति में बना रहूंगा तो मेरी आशीष भी, मेरी बरकत भी वो बनी रहेगी, वो बनी रहेगी, वो बनी रहेगी, वो बनी रहेगी, और बनती जाएगी, और बनती जाएगी, और बनती जाएगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आपकी जिंदगी में अगर आप चमकना चाहते हो, आप रिस्पेक्ट को चाहते हो, आप ऊंचाई को चाहते हो, आप बढ़ोतरी को चाहते हो, तो एक ही सीक्रेट है, वो है परमेश्वर की संगति। अगर आप परमेश्वर की संगति को छोड़ दोगे तो हर चीज आपकी डाउन आ जाएगी, डाउन, डाउन, डाउन। अगर आप संगति में बने रहोगे तो हर एक चीज अप 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 जाएगी। इसीलिए कभी भी संगति ना छोड़ो, कभी भी चर्च आना ना छोड़ो, चाहे कोई वॉलंटियर आपको आपको अच्छा लग रहा चाहे नहीं लग रहा, चर्च को ना छोड़ो। चर्च आपकी सुरक्षा है, आपकी बढ़ोतरी की प्लेस है। बिना चर्च के आप कभी नहीं बढ़ सकते, बिना चर्च के आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। इसीलिए तो परमेश्वर ने चर्च खोले, इसीलिए परमेश्वर ने चर्च खोले। कुछ लोग आपस में लड़ाई हुई तो चर्च छोड़ गए। अरे ये शैतान की चाल है, ये शैतान की चाल है। शैतान ने मन में उल्टे सीधे विचार डाले तो कईयों ने चर्च खोल ले अपनी। बुलाया है नहीं परमेश्वर ने, चर्च खोल ले, ये भी शैतान की चाल है, वो आपकी शाइन को खत्म करने के लिए। क्योंकि हर एक चीज जो आप वचन को तोड़ते हैं उसको पाप कहते हैं, वह उसको आप पाप करते हैं। अगर आप अन आज्ञाकारी करके चर्च खोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप पाप कर रहे हैं। तो ये आपकी बढ़ोतरी के लिए नहीं, ये आपको डाउन करने के लिए शैतान की योजना है। गुस्से में आकर कभी कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि गुस्सा कर पर पाप ना कर। अगर आप गुस्से में आके कोई गलत डिसीजन लोगे तो वो पाप होगा, तो उसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं। फिर मत कहना कि ये चर्च नहीं अच्छा, ये पास्टर नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, परमेश्वर नहीं अच्छा। अरे परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं होगा। आप जैसे, मेरे जैसे परमेश्वर के पास बहुत हैं, लाखों करोड़ों। सैमसन ने पाप किया तो उड़ गया, हो परमेश्वर का कोई घाटा नहीं हुआ, उसके पास बहुत है।
वो किसी के ऊपर भी अपना अनुग्रह कर सकता है तो किसी को इस्तेमाल कर सकता है। कभी ये इस धोखे में मत रहना कि पता नहीं मैं नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा। अरे तू नहीं होगा, तेरी जगह और बहुत होंगे, तेरी जगह और बहुत होंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास बहुत हैं। मूसा को कहता 20 लाख लोग इसराइलियों को लेके आ रहा था, कहता ये मेरी बात नहीं मानते, ये ढीठ हैं, कहता सबके सब मार देने। मूसा कहता परमेश्वर लोग क्या कहेंगे कि तू इनको छुड़ा के लेके आ रहा तो तूने मार दिए। कहता मूसा मैं जानता हूं लोगों की बात होगी और तुझे भी जानता है, तू सोचता होगा कि तेरी बदनामी होगी। कहता तेरे लिए मैं इन पत्थरों से संतान पैदा कर दूंगा। कहता 20 के 20 लाख एक ही दिन में मैं पैदा करने की सामर्थ्य रखता हूं, इन पत्थरों से कहता तेरे लिए संतान पैदा कर दूंगा। इसीलिए आप आपस की लड़ाई में कई लोग चर्च छोड़ते हैं, अरे मेरा कुछ नहीं जाएगा, जिस योजना के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया उतने लोग आएंगे आएंगे, वो आएंगे, चाहे वो किसी भी पत्थर दिल इंसान के हथौड़ा मारे और उसको लेके आएगा, उसको लेके आएगा, घाटा आप ही का होगा। क्योंकि अगर आप वचन को सीख के वचन के ऊपर चलते रहे तो एक हेल्दी वेल्दी और अच्छी लाइफ आप इस धरती पर जिएंगे और उसके बाद स्वर्ग में जाएंगे। और यही मेरी और परमेश्वर की भी इच्छा है और मेरी भी इच्छा है, अगर आप बने रहेंगे और हर एक आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी, मैं क्या 100% अपने समय के हिसाब से आपके जीवन में देगा और आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं क्या बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिसको वचन नहीं पता उसको कुछ नहीं है, जो वचन का जिसको ज्ञान नहीं है वो मसीह तो है पर अभिषिक्त मसीह, कम अभिषेक वाला। 5 कवारियां में जो मूर्ख थी वो इसीलिए मूर्ख थी, उनको वचन नहीं आता था। वर्शिप में खड़े होकर जहां चर्च में आकर उसके अंदर उनके अंदर अभिषेक तो था पर वचन का अभिषेक नहीं था, उस परमेश्वर के भेदों का उनको पता नहीं था, वचन का पता नहीं था उनको। पवित्र बाइबल उनके पास तो थी पर पवित्र बाइबल में लिखा क्या है, क्यों लिखा ये नहीं पता। अगर आप सीख रहे हैं पवित्र बाइबल के वचनों को क्यों लिखा किस लिए लिखा, तो समझ लो आप एक बड़ी तैयारी में हो, बड़ी 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 अनलिमिटेड तैयारी में, बहुत बड़ी तैयारी में हो। जब वो ओपन होगी तो मैं कह रहा हूं आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका गांव, मैं क्या आपका देश और ये यूनिवर्स भी हैरान होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर जिसको परमेश्वर का पता ही नहीं, परमेश्वर उसके बड़ी योजनाएं नहीं देता कभी भी, उसको पता ही नहीं तो वो करेगा क्या। अगर आप लिखित वचन को सीख रहे हैं तो समझ लो आप बड़ी आशीषें, बड़ी 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 तारों के जैसी होंगी। और कितने लोग चाहते हैं कि आपकी आशीषें अनलिमिटेड हो, तो वचन सीखने के लिए हर वीरवार हर एतवार कभी मिस ना करना और अपनी आशीष को अपनी दीवार पर लिख लेना, उससे 300 गुना मेरा परमेश्वर बढ़ोतरी में देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने जन विश्वास करते, तो फिर सेलिब्रेट करो जो विश्वास जिड़े विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे वांग बरकत पा देने बरकत पा देने जिड़े विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे वांग बरकत पा देने बरकत पा देने आसमाना ते तारे जिन्नी बरकत पा देने आसमाना ते तारे जिन्नी बरकत पौंदे ने जिड़े विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे वांगू बरकत पौंदे ने बरकत पौंदे ने जिड़े विश्वास कर देने ओ अब्राहम दे वांगू बरकत पौंदे ने बरकत पौंदे ने आसमाना ते तारे जिन्नी बरकत पौंदे ने आसमाना ते तारे जिन्नी बरकत पौंदे ने
पिछड़े विश्वास करते ने ओ अब्राहम दे वांग बरकत पौंदे ने बरकत पौंदे ने पिछड़े विश्वास करते ने ओ अब्राहम दे वांग बरकत पौंदे ने बरकत पौंदे ने जिड़े विश्वास करते ने ओ अब्राहम दे वांग बरकत पौंदे ने बरकत पौंदे ने जिड़े विश्वास करते ने ओ अब्राहम दे वांग बरकत पौंदे ने बरकत पौंदे ने आसमाना दे तारे जिन्नी बरकत पौंदे ने आसमाना दे तारे जिन्नी बरकत पौंदे ने जिड़े विश्वास करते ने ओ अब्राहम दे वांग बरकत पौंदे ने हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए बोलो 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 यीशु की जय 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
पेश आ गया। ऐसा है समां यीशु ही जिंदाबाद, ऐसा है समां यीशु जिंदाबाद। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।
हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय जय जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और आंखों को बंद करो। कहें परमेश्वर मुझसे बात कर, अपने आत्मा के द्वारा मुझसे बात कर। बार बार ये कहें परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा इंडिविजुअली जॉइंटली मुझसे बात कर, बात कर। कहें कहें परमेश्वर से कहें 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 परमेश्वर मुझसे बात कर, मेरे मेरे केस के लिए मुझसे बात कर, मेरी समस्या के लिए मुझसे बात कर। कहीं अपनी आवाज को उठा के कहीं, अपनी आवाज को उठा के कहीं कि परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। कहीं परमेश्वर मुझसे बात कर, मेरी समस्या के विषय में मुझसे बात कर परमेश्वर। आज मुझे छुड़ा परमेश्वर। कहें अपने दास के द्वारा मुझे छुड़ा परमेश्वर, मुझे छुड़ा। कहें कहें उसको परमेश्वर मुझसे छुड़ा, तीसरे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर मुझे छुड़ा, मुझे छुड़ा, मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, ब्लेस कर। आज मैं इस जगह से, मैं जानता हूं कि मैं वापस खाली नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे ब्लेस कर, मुझे छुड़ा परमेश्वर। कहें प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मैं कमांड करता हूं निराशा, हर तरह की निराशा आपके जीवनों को छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कोई भी निराशा, कोई भी नेगेटिव बात आपका आनंद नहीं चुराने पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आनंद नहीं चुराने पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी लाइफ में सदा आनंदित रहेंगे और परमेश्वर की आशीषों को सेलिब्रेट करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं क्या कर्जा आपके जीवन में बीती बात होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कमांड करता हूं आपके जीवन से कर्जे की दुष्ट आत्माएं को, मैं हुक्म देता हूं आपके जीवनों को छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त दास होने के नाते मैं आपके बंद रास्तों को खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं क्या जो कोई रास्ता शैतान ने बंद किया आज मैं खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज मैं खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो रास्ता जो शैतान ने खोला मैं परमेश्वर का दास होने के नाते उसको बंद करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं क्लेश आपके घर के आपके महलों को छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं क्या आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं टूटे परिवार फिर से जुड़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं क्या पत्थर दिल आज परमेश्वर के वचन के हथौड़े के साथ टूट चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा परमेश्वर आपको नया दिल नई आत्मा से भर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह आप परमेश्वर के खोजी बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह आप परमेश्वर की संगति के खोजी बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह आप अपने परिवार में चमकने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप अपने मोहल्ले में चमकने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप अपने शहर में चमकने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं आप अपने देश में चमकने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप पूरे यूनिवर्स में चमकने जा रहे हैं इसमें सामर्थ्य नाम में। और कोई जन आप में है ऐसा जिसको ये डर रहता कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं। कौन है ऐसा कोई जहां ऑनलाइन है कैसा, किसी को डर रहता कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये फियर एक रहता उसके जीवन में, फियर बना रहता कि मैं जल्दी मर ना जाऊं, मैं जल्दी मर ना जाऊं, ऐसा ऐसा फियर रहता है। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आपको फियर रहता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं, ऐसा मुझे परमेश्वर बता रहा कि आपको फियर रहता है।
और जितने लोग अपना पासपोर्ट लेके आए, बार बार मुझे कह रहा ऊपर उठाओ, ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ, जो अगर आप पासपोर्ट लेके आए ऊंचा उठाओ, अगर ऑनलाइन है आप उठाओ, ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ। मैं हर एक कर्ज जो आपके पासपोर्ट पर वेरी ने किया, मैं यीशु के लहू के द्वारा ब्रेक करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं क्या ब्रेक करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्रेक करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपके पासपोर्ट को मैं यीशु के लहू द्वारा, कलवरी क्रूस के ऊपर बहे लहू द्वारा मैं ब्लेस घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं क्या ब्लेस घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हर एक नाम मुराद बीमारी जो आपकी लाइफ में है, आपकी बच्चों की लाइफ में है, मैं कमांड करता हूं वो बीमारी की दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हर एक नाम मुराद बीमारी जो डॉक्टर ने कहा कभी चंगी नहीं होगी, और मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास होने के नाते बोलता हूं हर नाम रात बीमारी आपके जीवन को, आपके बच्चों के जीवन को, आपके परिवार को छोड़े और जाए यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में, जाए यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में, जाए यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में। और आपके लव वंस, आप हर एक नाम रात बीमारी मैं कह रहा हूं जो आपको मारने के लिए आई थी, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते बोलता हूं आपकी, आपके बच्चों की लाइफ के ऊपर मैं लॉन्ग लाइफ की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, लॉन्ग लाइफ की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं क्या आप जल्दी नहीं मरेंगे बल्कि लंबा जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मैं क्या लंबा जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके बच्चे लंबे जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके लव वंस लंबे जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हर एक डेथ स्पिरिट को मैं कमांड करता हूं वो आपके जीवनों को, आपके घरों को, मेरी आवाज को सुने और छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट 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 Out! 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 Be free in Jesus Christ's name. अपने हाथों को उठा के कहें, मैं अपने आप को ब्लेस करता हूं, अपनी लाइफ को ब्लेस करता हूं, अपने बच्चों को कलवरी क्रूस के ऊपर बहे यीशु के लहू द्वारा ब्लेस करता हूं। ब्लेस करो अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी लाइफ को ब्लेस करो, अपनी लाइफ को, अपने साथ जुड़ी हर चीज को ब्लेस करो। जिस चीज को आप परमेश्वर की हजूरी में ब्लेस करोगे वो ब्लेस होगी, वो घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। ब्लेस करो, 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 ब्लेस करो। बोलो मैं ब्लेस करता हूं अपनी लाइफ को, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, अपने बच्चों को, अपनी जॉब को, हर चीज को ब्लेस करो। जिस चीज को आप परमेश्वर की हजूरी में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में ब्लेस करोगे वो मल्टीप्लाई होगी, वो घटेगी नहीं, वो घटेगी नहीं। ब्लेस करो, ब्लेस करो। मैं इस चर्च की हर चीज को ब्लेस करता हूं, गैदरिंग को ब्लेस करता हूं, हर चीज को ब्लेस करता हूं। ब्लेस करो, ब्लेस करो, अपने आप को ब्लेस करो, अपने आप को ब्लेस करो। अपनी चेस्ट पे हाथ रख के बोलो मैं अपने आप को ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। एक हाथ अपनी चेस्ट पे रखो और कहो मैं अपने आप को ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, कलवरी क्रूस के ऊपर बहे यीशु के लहू द्वारा मैं ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। बोलो मैं ब्लेस हूं और ब्लेस रहूंगा। और कोई अंधकार की ताकत, इंसान की ताकत मुझे श्रापित नहीं कर सकती, मेरे ऊपर जादू टोना नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यकूब के घराने का हूं और मैं ब्लेस हूं, मुझ पर कोई जादू टोना, कोई भावी कहने वाला कामयाब सफल नहीं हो सकता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आप परमेश्वर की हजूरी में जो कुछ चीजों को आपने रिसीव किया 100% आप रिजल्ट को देखेंगे और बड़ी गवाहियों के साथ आप वापस आ रहे हैं मेरे सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक्स करो प्रभु का, थैंक्स करो, धन्यवाद करो
करो। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस रात में तुम्हें तूने मुझे अपनी हजूरी में आने का अनुग्रह किया, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जब आप अपने होंठों का बलिदान चढ़ाते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और जो चीज़ आप परमेश्वर को दे रहे हैं वही चीज़ मेरा परमेश्वर आपको वापस दे रहा। अगर आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं तो आपकी खुद की महिमा बढ़ रही है, इसलिए थैंक्स करो। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करो आज की ग्रेस के लिए, आज के अभिषेक के लिए, आज के परफेक्टिक वर्ड के लिए, हर डेक्लरेशन की धन्यवाद करो, हर एक आत्मिक आशीष के लिए धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। यीशु मसीह के सम्मति नाम में मांगते हैं। आज से एक डिसाइड करना, एक टाइम डिसाइड करना प्रार्थना का। अगर 3 बजे कर सकते हैं तो 3 बजे करो। मेरे जीवन की टेस्टिमनी है, जब मैंने 3 बजे की प्रार्थना छोड़ दी तो मैं कर्जाई हो गया था। कभी सोचा नहीं होगा कि प्रार्थना से बंदा अमीर भी होता है। ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल है। एक बार मैंने 3 बजे की प्रार्थना छोड़ दी, 3 से 4 मैं प्रार्थना करता था, 3 से 4 मैं जिम में जाने लग पड़ा, तो 2-3 महीने 6 महीने गया तो मैंने लोगों के कर्जाई हो गया, लोगों के पैसे देने वाले हो। एक टाइम चुनो जरूर, एक टाइम, चाहे आप 3 से 4 करो, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऐसा कोई टाइम चुनो, चाहे 1 घंटा जरूर प्रार्थना कर रखो। अगर आप कर्जे से छूटना चाहते हो, अगर आप बढ़ोतरी चाहते हो, अपने हाथों को उठा के ग्रेस मांगो, कहो परमेश्वर आज मुझे ग्रेस दे कि 1 घंटा अपनी प्रार्थना का हर रोज तेरी हजूरी में, तेरी संगति में बता सकूं। मुझे ग्रेस दे प्रभु, जय ग्रेस मांगो प्रभु से, ग्रेस मांगो कि 1 घंटा तेरी मैं हजूरी में बैठ सकूं, ताकि मैं अपनी जिंदगी में चमकता जाऊं, मैं गरीब ना बनूं हूं, कर्जे में ना जाऊं, क्लेश में ना जाऊं, या किसी घटी में ना जाऊं, क्योंकि मैं आज जा चुका हूं। अगर मैं संगति को छोड़ूंगा तो क्लेश में जाऊंगा, प्रॉब्लम में जाऊंगा, और मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए बल्कि चमकती लाइफ चाहिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। कितने लोगों ने डिसाइड किया आज 1 घंटा सिर्फ? अगर आप दोपहर को फ्री हो तो दोपहर को 1 घंटा जरूर प्रार्थना करो, अगर आप रात को फ्री हो तो रात को करो, अगर दिन को है तो दिन को 1 घंटा कम से कम प्रार्थना जरूर करो, 1 घंटा जरूर। अगर आप से प्रार्थना नहीं होती तो 9 से 10 YouTube के ऊपर 1 घंटा वचन चलता कि नहीं चलता, उसको देखो। पर सीरियसली, ये नहीं फोन रखा हुआ तो मीटिंग चल रही है आप इधर तड़का लगा रहे हो, लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, तो जो लास्ट में प्रार्थना हुई, जब प्रार्थना हुई तो तब लोग बढ़ जाते हैं प्रार्थना के टाइम पे बढ़ जाते हैं। ये नहीं, 1 घंटा मतलब आपको और कोई टाइम, दरवाजा बंद करो, कुंडी लगाओ, आप होने चाहिए और परमेश्वर होना चाहिए, समझ गए? जो टाइम आपको सूटेबल होता, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जो भी, पर उस घंटे में आप होने चाहिए और परमेश्वर होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए, और वो जगह सेपरेट होनी चाहिए, समझ गए? वो नहीं तोड़नी जो मर्जी हो जाए, चाहे बाहर चले जाओ, आपके घर में जगह नहीं है, बाहर खेतों में चले जाओ, कहीं चले जाओ, 1 घंटा आप घड़ी नोट करना, 1 घंटा परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर को जरूर दो 1 घंटा जरूर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आप फिर देखेंगे आपके जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं आ सकती जो आपको डाउन करे। अगर आपने घंटा छोड़ दिया तो आप फिर नीचे आएंगे, अगर आपने घंटा पकड़ लिया, उसको प्रार्थना करते रहे, चाहे आपका कर्जा 20 लाख है, 50 लाख है, नो प्रॉब्लम, वो उतरेगा उतरेगा 100%, कोई भी प्रॉब्लम हल होगी होगी, लेकिन वो घंटा नहीं कम करना आपने, बढ़ जाए कम नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आएगी? वो कम नहीं होना चाहिए। आज से 1 घंटा जरूर निकालना, रात को, दोपहर को, सुबह को, शाम को, कोई भी टाइम जो आपको अच्छा लगता है, परमेश्वर आपको बताएगा, परमेश्वर आपके हार्ट में डालेगा, ये टाइम प्रार्थना करो।
एक घंटा, और सीरियसली खो जाना उसमें, खो जाना उसमें। उसमें कोई आपके पास नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा, कोई कोई काम, कोई। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर जब आपने एक घंटा प्रार्थना शुरू कर दी ना, तो उस घंटे में आपको संघर्ष भी करना पड़ सकता है। हो सकता आपने दोपहर को चूज, उसी घंटे में ग्राहक आएंगे, तो फिर आने दो, चाहे 1000 का हो, चाहे 2000 का ऑर्डर जाता तो जानता, चाहे किसी का भी फोन हो, फिर बजने दो, चाहे आपका कोई नाराज हो जाए तो हो जाए, जो मर्जी हो जाए। वो घंटे में आप होने चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को बात मेरी समझ आ रही, पीछे लग रही समझ, हाथ उठा के बताओ मुझे। तीसरा नहीं होना चाहिए, ना आपका फोन होना चाहिए, ना आपके बच्चे होने चाहिए, ना आपकी घरवाली, ना कुछ भी, कुछ नहीं होना चाहिए। आप और परमेश्वर, सिर्फ 1 आवर, 1 घंटा, करके देखो। आप करके देखो, आपकी जिंदगी में वो होगा, और इतनी तेजी से होगा कि आपने 10 साल जोर लगा लिया, ये हो जाए, मेरा घर बन, ये मेरा बर बन जाए। नहीं बना ना, 1 घंटा प्रार्थना करके देखो, जैसा मैं कह रहा हूं, चुटकियों में तेजी से बनेगा इसमें सामर्थी नाम में। आपका जो काम नहीं हुआ, वो काम को बार बार नहीं मांगना, एक मेरी बात याद रखना, ये नहीं उसी को रोज, नो, वचन से प्रार्थना करनी, वचन से। चाहे 1 घंटा आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, 1 घंटा बाइबल पढ़ दो, बस पढ़ ली चल गए, उसी बाइबल पे हाथ रख के, परमेश्वर ये मेरे जीवन में सारे वचन पूरे हों, वचनों से प्रार्थना करना। मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मैं वचनों से प्रार्थना करता हूं, वचनों से, परमेश्वर के वचनों से। वचनों से प्रार्थना करो, जो प्रभु ने लिखा उसी के लिखे को मांगो। आप सोच नहीं सकते वो घंटा आपको कहां पहुंचा देगा। अगर आपका बिजनेस, सच में कह रहा हूं, अगर आज आप 10,000 कमा रहे हैं, घंटा प्रार्थना करनी शुरू करो, उसमें वचन पढ़ना शुरू करो, पाप से बचे रहो, ये कई गुना बढ़ जाएंगे, कई गुना। ये 50,000 होते होते समय नहीं लगेगा, आप चाहो ना चाहो, पर परमेश्वर चाहेगा, ये 50,000 बनते समय नहीं लगेगा। अगर आप दसवंद में वफादार रहे, 50,000 का 5,000 निकाल के प्रभु के कामों के लिए दे रहे, तो ये लाख होते होते पता नहीं लगेगा, ये बढ़ता जाएगा। आप बेईमान हो जाएंगे, परमेश्वर नहीं होगा। होता है, बंदा हो जाता है, सब हो जाते हैं। तो आज से 1 घंटा प्रार्थना करना, तो डूब जाना परमेश्वर में, तो फिर देखना जो आज तक नहीं हुआ, अब से, आज ही से होगा, और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे ईश्वर सामर्थ्य नाम में। मैं क्या वापस आएंगे ईश्वर सामर्थ्य नाम में। मैं चिराग यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम।